आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एसएन मेडिकल कॉलेज की न्यू सर्जिकल बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग हरकत में आ गया है। शहर में चल रहे हॉस्पिटलों के साथ साथ बहुमंजिला इमारतों में चेकिंग का नोटिस भेजे जा रहे हैं। होलिका दहन के दौरान आग की आशंका के चलते फायर विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। होलिका दहन के समय आग की चिंगारी से घर दुकानों में आग लगने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही अराजक तत्व भी हरकत कर सकते हैं। इसको देखते हुए दमकलों के साथ फायर कर्मियों को शहर देहात में तैनात किया गया है। देखिए, होलिका दहन को दृष्टिगत रखते हुए फायर सर्विस की ओर से कतिपय स्थानों पर जैसे आपका सेंट जॉन्स चौराहा है, बोधला चौराहा है, ताज व्यू चौराहा है आदि 6-7 जगहों पर हम अपने स्टाफ को वाहन सहित लगा कर रखे हैं एहतियातन, कि किसी प्रकार की आकस्मिकता होने पर उसको तत्काल निपटा जा सके। संवेदन अति संवेदनशील इलाकों के साथ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में गाड़ियों के साथ फायर कर्मी तैनात किए गए। फायर टेंडरों के साथ सक्री गलियों में आग बुझाने के लिए फायर विभाग ने बुलेट के साथ कर्मचारियों को तैनात किया है। फायर की ओर से संवेदनशील इलाकों में भी हम ढाकरान जैसे इलाकों में अपना स्टाफ और व्हीकल मोटर फायर इंजन तैनात किए हैं और रिजर्व में जो है उनको भी रखे हैं, त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको भी जो हमारे पास बुलेट हैं उनको भी हम सकरी गलियों में जो छोटी छोटी होलिकाएं लगाई दी जाती हैं जहां पर बड़े वाहन नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर छोटे सकरी गलियों में मोटरसाइकिल और वाटर मिस्ट वाहनों को तैनात किया। ताज व्यू, सेंट जॉन्स, बोधला, मंटोला, लोहा मंडी, नायकी मंडी के अलावा अन्य क्षेत्रों में दमकलों के साथ फायर कर्मी लगाए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की आग की घटना पर तत्काल काबू पाया जा सके। CFO अक्षय रंजन शर्मा ने फायर कर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।